कम बैक टू 13 डांस स्टूडियो। मेरा नाम प्रकाश है और आज के इस डांस ट्यूटोरियल में मैं आपको सिखाने वाला मेहंदी सॉन्ग पे डांस, जो कि अभी ट्रेंडिंग सॉन्ग है। और ये जो डांस जो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ, स्पेशली वेडिंग संगीत पर्पज से सिखाने वाला हूँ। तो चलो ये स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने के पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आप तक ऐसे वीडियोस पहुंचते रहें और आप ऐसे ही डांस सीखते रहें। तो चलो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं, देखिए। तो चलो आइए, स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरा राइट साइड है और ये मेरा लेफ्ट साइड है। तो चलो आइए अब मैं आपको इस सॉन्ग का फर्स्ट स्टेप सिखाता हूँ, देखिए। तो हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, दोनों हैंड को ऐसे कर लेना है, इसके साथ लेफ्ट पैर को ऊपर उठाना है ऐसे, और जब हम दोनों हैंड ओपन करेंगे और नीचे की तरफ लाएंगे तो लेफ्ट पैर को भी नीचे रखना है, ओके। अब यही सेम स्टेप हमें लेफ्ट साइड करना है, तो राइट पैर को हम ऊपर उठाएंगे और लेफ्ट साइड ऐसे जाके ऐसे रख देंगे, ओके। सेम राइट साइड से फिर से करना है, फिर लेफ्ट साइड से फिर से करना है ऐसे। तो ये स्टेप हम 4 टाइम करेंगे, ओके। अब मैं आपको इसका आगे का स्टेप बताता हूँ, देखिए क्या करना है। लेफ्ट पैर को बाहर निकालना है लेफ्ट साइड, ओके। तो हमने पैर को बाहर निकाला, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे का स्टेप करते हैं। हमें देखिए क्या करना है, 1 2 3, ओके। एक बार और देखिए, 5 6 7 गो, 1 2 3, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे का स्टेप सीखते हैं, देखिए क्या करना है। तो राइट हैंड का हम यूज़ करेंगे, 1 पहले राइट साइड करा, अब हम आगे की तरफ करेंगे 2, ओके। तो क्या करना है, हमें एल्बो का यूज़ करना है और कमर का यूज़ करना है, ओके। देखिए 5 6 7 गो, 1 2, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे का स्टेप सीखते हैं, देखिए क्या करना है। दोनों हैंड को ऐसे क्रॉस कर लेना है और डिपिंग के साथ दोनों हैंड को ऐसे स्लोली स्लोली ओपन करना है, ओके। तो देखिए क्या करना है, 5 6 7 गो, 1 2 3 4, ओके। अब हम आगे का स्टेप सीखते हैं, तो क्या करना है, देखिए हम लेफ्ट साइड से राउंड करेंगे ऐसे, ओके। अब हम जाएंगे पीछे की तरफ, तो दोनों हाथों को कमर पे रख लेना है, ओके, और पीछे हमें जाना है छोटी छोटी स्टेप लेते हुए, 1 2 3 4, ओके। तो अब हम ये जो सारी स्टेप्स है यहाँ तक म्यूजिक पे करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए। तो चलो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे का स्टेप सीखते हैं, देखिए क्या करना है। तो सबसे पहले दोनों हैंड कैसे ज्वाइन कर लेना है और दोनों हाथों कैसे नीचे ड्रॉप कर देना है, तो ये पहला स्टेप हुआ। अब हम दूसरा स्टेप सीखते हैं, तो क्या करना है, दूसरे स्टेप में हमें डिपिंग करना है और हैंड मूवमेंट देखिए डिपिंग के साथ, 5 6 7 गो, 1 2, दोनों हाथों को हम ऐसे सेंटर में ले लेंगे डिपिंग के साथ, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे का स्टेप करते हैं, देखिए क्या करना है, दोनों हाथों को ऐसे इस पोजीशन पे ले लेना है और राइट पैर को आगे रखना है, देखिए 5 6 7 गो, 1 2, ओके। मैं आपको ये दोनों स्टेप एक बार और करके दिखाता हूँ, देखिए 5 6 7 गो, 1 2 3, 1 2 3, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे का स्टेप सीखते हैं, तो देखिए क्या करना है, हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे और राइट पैर को रखेंगे लेफ्ट साइड। तो देखिए क्या करना है, 5 6 7 गो, 1 2, ओके। एक बार और देखिए, 5 6 7 गो, 1 2 3। अब हम क्या करेंगे, राइट साइड जाएंगे तो दोनों हाथों को ऐसे स्ट्रेट कर लेंगे, आप ब्लैक मूवमेंट के साथ देखिए, 5 6 7 गो, 1 2 3। अब यही सेम स्टेप हमें करना है राइट साइड पर, लेफ्ट साइड जाएगा राइट साइड, तो देखिए 5 6 7 गो, 1 2, देन देखिए 1 2 3, ओके। तो मैं आपको ये वाला स्टेप एक बार और बता रहा हूँ, देखिए 5 6 7 गो, 1 2 3, 1 2, 1 2 3, 1 2, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे का स्टेप सीखते हैं, तो देखिए क्या करना है, राइट पैर को ऊपर उठाना है और राइट हैंड को भी लेना है साथ में, 5 6 7 गो, देखिए 1 2। अब हम करेंगे लेग से 5 6 7 गो, 1 2, ओके। तो एक बार और देखिए, 5 6 7 गो, 1 2 3 4, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे का स्टेप लेते हैं, तो देखिए क्या करना है, राइट लेग से हम स्टार्ट करेंगे लेफ्ट साइड से, 5 6 7 गो, 1 2 3, कमर पे हाथ आया, 1 2 3,
तो क्या करना है इसमें, सबसे पहले हम राइट हैंड अंदर लेंगे, फिर लेफ्ट लेंगे, फिर दोनों हाथों को कमर पे रखेंगे। ओके, एक बार और देखिए, 5 6 7 गो, 1 2 3, 1 2 3। ओके, तो ये जो सारी स्टेप्स है हम म्यूजिक पे करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो चलो आइए अब हम और आगे बढ़ते हैं और आगे का स्टेप सीखते हैं। तो देखिए क्या करना है, हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, 5 6 7 गो, 1 2 3 4। ओके, एक बार और देखिए, 5 6 7 गो, 1 2 3 4। ओके, तो इसमें हमने क्या करा है, देखिए मैं आपको और अच्छे से बता रहा हूँ। ये वाला स्टेप देखिए, 5 6 7 गो, राइट से हमने स्टार्ट करेंगे, राइट, अब लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट, ओके, फिर हम राइट से स्टार्ट करेंगे, राइट, फिर हम लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट, ओके। तो अब आप हैंड मूवमेंट के साथ ये वाला स्टेप देखिए, 5 6 7 गो, ऐसे राउंड लेना है, 1 2 3 4। ओके, तो चलो आइए अब हम और आगे का स्टेप सीखते हैं। देखिए क्या करना है, 5 6 7 गो, 1 2 3। ओके, एक बार और देखिए, तो ये वाला जो स्टेप्स है हमने राइट लेग से स्टार्ट करा है, एक बार और देखिए, 5 6 7 गो, 1 2 3। तो इसमें हमने क्या करा है, जो हमारा राइट हैंड है वो ऐसे आता है शोल्डर पे, 1 2 3, तो तीन बार ये वाला स्टेप आता है। एक बार और देखिए, 5 6 7 गो, 1 2 3। ओके, अब हम आगे का स्टेप सीखते हैं। तो क्या करना है, दोनों हाथों को ऐसे ओपन करना है, 1 2। ओके, लैग मूवमेंट के साथ देखिए, 5 6 7 गो, 1 2। तो हमें आगे बढ़ना है, ऑडियंस की तरफ बढ़ना है। ओके, तो ये जो दोनों स्टेप्स है एक बार और मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए, 5 6 7 गो, 1 2 3, देन चेंज, 1 2। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे का स्टेप सीखते हैं। देखिए क्या करना है, तो राइट पे रखेंगे आगे, 1 2 3, 1 2 3। ओके, तो ये स्टेप हम पहले भी सीख चुके हैं, तो एक बार और देखिए, 5 6 7 गो, 1 2 3, 1 2 3। ओके, तो चलो आइए अब हम ये जो सारे स्टेप्स हैं म्यूजिक पे करते हैं। देखिए,